प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता हिंदी भवन में आयोजित हुई, जिसमें प्रतियोगिता के पहले चरण में वाद विवाद प्रतियोगिता में यहां आए स्कूली बच्चों ने विषय व्यक्तित्व विकास में हिंदी की उपयोगिता के पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचार एवं तर्क रखे। सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, आजादी लाने वालों का तिरस्कार कर पाता है, बलिदानी गाथा पर थूका बार बार तर पाता है, क्रांतिकारियों की बलिवेदी जिससे गौरव कही न सकते एक बार। अंग्रेजी पढ़ के जदीद सब गुण होत प्रवीण, पैन ज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, और एक तिलावे या में प्रकट लखान, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, निज भाषा उन्नति ही सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान बिन मिटे नहीं को सूल, और एक तिलावे या में प्रकट लखान, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। धन्यवाद। जिसमें निर्णायक मंडल में राजेश गादा जी, योगेश शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जैसे वरिष्ठ गीतकार शामिल थे। कार्यक्रम के अगले चरण में एकल लोकगीत प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया। उसके बाद चित्रांकन से शब्दांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राज सैनी जी के बनाए हुए चित्र को देखकर बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने थे। फिर बच्चों ने भोजन का आनंद लेकर अगली प्रतियोगिता काव्य पाठन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं newsviews360.com और इस समय हम हिंदी भवन में जहाँ पर हो रही है प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता, यहाँ पर हम सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पर लगातार बच्चे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें भी इतनी उत्सुकता हो रही है कि हम रुक नहीं पाए। तो चलिए आज हम मॉडल स्कूल के बच्चों से कुछ बात करते हैं। क्या लगता है कि हिंदी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? मैम, हिंदी तो बाकी सारी, अब देखिए जहाँ पे हम जन्म लेते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता। राम भगवान ने भी कहा है स्वर्गादपि गृहीसी, जो उन्होंने रामायण में कहा था कि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी आगे होते हैं। लेकिन अंत में पूनम श्रुति जी ने बच्चों को संबोधित किया और दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का संदेश दिया और अपने डर पर काबू पाने को भी कहा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसको भी मेरी बात समझ ना आए वो अपना हाथ उठाए, मैं उसके लिए वापस रिपीट करूंगी। आप लोग मेरा साथ दोगे? प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता का अंत भी पूनम श्रुति जी की शुभवाणी के साथ हुआ। आप देख रहे थे न्यूज़ व्यूज़ 360, खबरें अलग अंदाज में।